Hello everyone, this is Ali Rahman and make sure to download the Hum TV app on your phones. Suno chanda. Hi son. Kya hai jiya? Tumhe sone ki tameez nahi hai? Tumhe tameez nahi hai apne shohar ko uthane ki? Abhi thodi der hua hai hamari shaadi ko. Aur isme kuch ghante mein tumne mera dimag paka diya. Ye kar 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 de. Bas kar to jiya. हर बात का इशू ना बना लिया करो। बस ना हौसला करें और अगले 48 घंटे जो है ना किसी तरह गुजार लें, बच्चों का वलीमा हो जाए ना, फिर उसके बाद भले से हार्ट अटैक। शाहाना, एक लफ्ज भी और बोली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिया क्या बदतमीजी है? जिया पानी पीने जा रहा हूँ, प्यास लगी है। आपके लिए तो फिलहाल चुल्लू भर पानी ही काफी है। हुआ क्या? आसमान गर्म हो रही है। ओ मिठू वेक, ट्रेन रुक गई है। विवेक का दोधी रुक गई है। ये सब चले भी गए, तेरे खौफ ही नहीं मुकदे। कितनी प्यारी लगती हो ऐसे बात करते हो। और आप कितने प्यारे लगते हैं। जब आप मेरे मुंह पर इतना झूठ बोलते तो बहुत प्यारी लगना है। असल जमशेद अली, ये जो तुमने आज थर्ड क्लास हरकत की है नाश्ते पर, दामाद बनने वाली ये किस खुशी में थी? जो तुमने मछली की बीवियों की तरह सर झुका के मेरी हर बात मानी है, मुझे बड़ा मजा। असल! ये क्या कर रही हो जिया? ये ज्वेलरी क्यों उतार रही हो? इतनी अच्छी तो लग रही थी। थी से क्या मुराद थी आपकी? दुपट्टा और ये ज्वेलरी सूट करती है तुम्हें, इतनी अच्छी लग रही थी, हमें उतारती हो तो क्या मैं अब अच्छी नहीं लग रही? लग रही हो, लेकिन एक बात तो बताओ जिया, क्या है? दोबारा क्यों पहन रही हो? वैसे मान क्यों नहीं लेती हो मेरे लिए पहन रही हो यार? हाँ तो इस चीज का एहसास तुम्हें खुद होना चाहिए ना। अब हमारा रिलेशनशिप बदल चुका है, हमारी फीलिंग्स भी। तो ये कि मुझसे तुम इससे बात किया करो जैसे बाकी सारी बीवियां करती है अपने शौहरों से। हाँ तो मैंने कौन सी गोली चला दी है तुम पर? मैंने कौन सी बदतमीजी की है तुम? ये जो तुम करके बात करती हो जिया, तुम इससे बात किया करो मुझसे, मैं बता रहा हूँ। याद करो कैसे रो रो के हासिल किया मुझे। हाँ जैसे मैं ही मरी जा रही थी राजा इंद्र के लिए। असल जमशेद अली क्यों ज्यादती कर रही हो तुम? नाशुक्री कर रही हो, मैं बता रहा हूँ। क्या क्या मैंने कौन सी नाशुक्री की है जरा मुझे भी पता चले। ये कैसे बात कर रही हो? शौहर हूँ तुम्हारा, शोफर नहीं हूँ। इस तरह हमारा रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाएगा, वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। असल जमशेद अली, नुकसान सिर्फ मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। फिर तुम मैं बीजान को बताता हूँ तुम्हारी ट्यूनिंग करेगी। असल मैंने तुम्हें कहा है तुम कहीं नहीं जाओगे। बेबे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तू भी देख बेबे। मिठू, बेबे तेरी गैरत शर्त मर गई है क्या? हैं, की हो गया बेबे? बांदर खाना बंद करी। हेलो भाईजान, बंद कर दे, सुनाई नहीं दे रहा बेबे की कह रही है। क्या हुआ बाजी? ओ बाजी दे कोई लग दे सकदे, तेरे घर में माफ है ना ही है, शर्म नहीं आंदी। चल एक मिनट इस गड्डी रोक दे गड्डी। लो जी रोक दी। हाँ तो फिर दस पुलिस को बुलाऊं? बताऊं उन्हें छेड़ा है तू मुझे? अल्लाह को जान दी नहीं है बाजी, मैंने कब छेड़ा है आपको? तो फिर ये गाना क्यों लगाया है? शर्म नहीं आंदी तेनू? ये गाना मैंने थोड़ी गाया बाजी। और लगाया तो तूने ही है ना? ये गल ते दस, किसने बताया तुझे कि मेरा नाम परवीन है, है? पुलिस को बुलवाऊं? निकल मिठू चल। ये ना जी अपना सामान, और माफ करे मुझे। और ये ना समझी के पैसे पूसे दूंगी तुझे। निकाले जी अपना सामान। काट सामान पुत्र, ला रख है थे। हाँ और कुछ है? जा लंग जा, ऐ भी आ जान दे पुत्र। मिठू कोई रक्षा वेख ना। बेबे मैं इंज गया ते इंज आया। हाँ जी बेबे, देशी की उधर डब्बा किथे किथे
फिटी मुंह मिठू बेबे मेरी चूरी कैसे बनेगी और लाने तेरी देसी घी चूरी ते पहले मेरी कनक दी बोरी हुण देसी घी दा डब्बा नुकसान कराई जा रहा है तेरी फैटी ना वाजिब है ये ले ओ मैंने ये वाली नहीं कही थी मैंने दूसरी कही थी सॉरी फिर भी थैंक यू चलो इसी बहाने तुम्हें देखने का मौका तो मिला हम कल रात ही तो मिले थे फंक्शन पे तुम्हें पता है दोनों रोमियो और जूलियट की ना लड़ाई हो गई कल रात ही अब तक उन दोनों की कई बार लड़ाई हो चुकी होगी क्या हो गया साहबजादे को मशरकी शौहर बनने का जुनून समझ देख नहीं रहे हो एक काम करो तुम इससे अपने साथ यूरोप ले जाओ स्टडीज के लिए सारा मशरकीपन इसकी नाक से निकल जाएगा जाने से याद आया कि पहले तो अपनी मेल ही नहीं चेक की छोड़ो यार अब क्या करोगे तुम लंदन जाकर बड़ी उम्मीद में क्या करूंगी लंदन जाकर मेरा बचपन का ख्वाब था तुम्हें हमेशा से पता है कि मैंने बाहर जाना है हायर स्टडीज के लिए पढ़ना है अच्छा ठीक है नहीं तुम टेंशन ना लो मैं वहां आकर तुम्हारे पास नहीं रहूंगी नहीं मैंने ऐसा ना बोला जीरा तुम रह सकती हो मेरे पास तो तुम्हारे कहने का मकसद क्या था फिर स्टूपिड लड़की तुम एविंग बात का गलत मतलब सोच ओके लुक अंदर आओ सो गुड जॉब क्या हुआ लगाया शिकायत हां कहां है वो कमरे में गई है लंदन वाली बात को लेकर नाराज थी लंदन कौन जा रहा है लंदन जीरा जा रही है ना हायर स्टडीज के लिए She mad? बता तो उसे। Bro, अभी तेरा वलीमा भी उन्हें आई है कोई मसला उसका क्रिएट मत कर देना। नहीं कुछ करता मैं बड्डी ये कोई नहीं। बंद करो लैपटॉप। क्यों? बिल देते हो तुम इसका? नीचे बीजन बुला रही है। लगा आए शिकायतें। जी यार नीचे चलो बुला रही है बीजन। मैं पहले अपनी मेल्स चेक कर लूंगी और फिर मैं चलूंगी अच्छा क्या बदतमीजी है ये यार मुझसे ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए ये हाँ मेरी मेल आनी है लंदन से ये लंदन शटन चलो भूल जाओ सब कुछ मैं तुम्हें ना भूल जाऊं भूल सकती हूं हाँ मैं हर उस शख्स को भूल सकती हूं जो मेरे और मेरे ख्वाब के बीच में आएगा चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं हाँ जिया निकालना होगा इस चीज को तुम्हें हमारे दरमियान से मैं बता रहा हूं तुम्हें क्यों 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 तुम जानती हो मेरी जिद नहीं टूट सकती तो ये रिश्ता तो टूट सकता है ना क्या कहा तुमने वही जो तुमने सुना है वो रिश्ता जिसको बने हुए कुछ घंटे हुए हैं तो उसको तोड़ने की बातें कर रही हो कुछ घंटे गए भाड़ में जो तुम मेरा 20 साल पुराना ख्वाब तोड़ने पर तुले हो उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा हाँ मैं वही हूँ जिया जिससे तुम मोहब्बत के दावे करती फिरती थी और मैं भी वही हूँ अरसा जमशेद अली जिसके लिए तुम पूरे खानदान के आगे डर के खड़े हो गए थे मैं अभी भी वही हूँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया तुम कुछ भी हो मैं हर हाल में जाऊंगी ठीक है अब इसका फैसला बड़े ही करेंगे सुनो तुम अपने फैसलों में ये दूसरों को बीच में हमेशा क्यों लेकर आते हो तुम्हारे लिए होंगे दूसरे मेरे लिए नहीं है वो तुम्हें तो वैसे ही आदत है एक मिनट में सारे रिश्ते बुलाने की मैं जाऊंगी अपनी हर स्टडीज के लिए चाहे कुछ भी हो जाए चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े हाँ चल शराफत नाल मेरे पैसे काट हैं नहीं तो ऐसे ही खड़े खड़े तेरे मुंह का नक्शा बिगाड़ देना है मैंने हाँ ना बाजी पांच का सिक्का नहीं है मेरे पास मैं नहीं पता काट मेरे पैसे एक मिनट फलक पत्ती हो बंदी उली सर ये 10 का नोट रखी और मुझे जाने दे क्यों मैं कोई फकीर नहीं हूँ या मैं कोई ज़कात फितराने लेती हूँ या किसी यतीम खाने की आयागिरी करती हूँ मैं हैं बाजी कहाँ से लूँ खुले पैसे में मैं नहीं पता मेरे पैसे काट चल मैं हेल्प यू लेडी क्यों तू साड़ी फुफी का पुत्र लगता है हाँ ये जो बड़ा सगर है ना ये बोला ये
हम इसका इकलौता दामाद है, जलाल खान फ्रॉम पिशावर। अच्छा ते तू है बीजान दी चलाक मुकार खुराड बेटी मसूमा दा शौर। लगदा ते भला मानस है, क्यों कर ली तूने उस फपरे कुटनी से शादी? बस गलती हो गया। बाजी मैं अब जाऊं? चल काट मेरे 10 रुपए। ये लीजिए। ते आइंदा खुला रखी जेब विच। जी जी जरूर। हाँ पुटा खा। चले जाओ इधर से, चलो जल्दी करो, खाना खराब क्या बचा, अपने पास छुटा रखो। आपका तारीफ? जी ना तो मेरा है परवीन मुगल, पर प्यार नाल मैनू परी कहंदे ने। बिल्कुल सही बोलते, क्या नाम आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। बेबे तेरा गंडेरी नाल लफाफा। बेबे की होया? ओ गया? आहो बेबे तेरा तर जाए तेरा मिठू, कख ना रवे, तू मेरे नाल है या टूट परे ड्राइवर दे नाल? सॉरी बेबे, हम आपके लिए मार्केट से फ्रेश गंडेरी लेकर आएगा, मजा आ जाएगा। चुक समान। शेरी भाई बोल तो मुझे देख के करा दो कम से कम। तो तुम्हें ही तो देख के करवा रहा हूँ, और कहाँ देख रहा हूँ? बच्चा हूँ ये मत समझो कि कुछ नहीं पता, सब समझता हूँ नजरे का और निशाने का। इसके बच्चे इंसान बन जाओ। किंदरबाजी इस जन्म में बिल्कुल मुमकिन नहीं। और शेरी भाई एक बॉल जबरदस्त है यार। अच्छा जी ये लो फिर एक जबरदस्त सी बॉल। ओए मेरा ताजा तोड़ा परवीन और परी ते कातिल आ रहा हमरा। वो डीजे का बच्चा अब तुम्हारा ख्याल नहीं, ये वो छोटी सी दुनिया जिसने सब बड़ों का जीना हराम किया हुआ है। ना पर ये किसका शनाख्ती कार्ड है? शनाख्ती कार्ड मतलब किसका बच्चा है? नजाकत का। नजाकत का है? हाय माँ सदके, माँ मारी ते माँ कुर्बान। किस पर? डीजे पर या नजाकत पर? बच्चे पर। अब खैर से ये दोनों कौन है? हाँ ये हमारा बेटी है किंजा जलाल, और ये उसका मंगेतर शहरयार, यूके से आया है, आगा जी का पोता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। पापा ये कौन है? खरीजान गुजरात से आया, और अरसल और जिया का वलीमा में शिरकत के लिए। परी तो परिस्तान में रहती है, गुजरात कहाँ से आ गया पापा? तुम्हारा क्या मसला है भाई, जाकर नकारा बजा कर परिजान की आमद का ऐलान करो। अब पुत्र सब तो पहले ना प्यो नु दसना। डोंट वरी। शाबाश। चल मिठू आगे लग। हाँ बेबे चाबी से चलने वाला या रिमोट कंट्रोल पर चलने वाला? एक फर्मा बरदार पुत्र है मेरा, नजर ना लगाना जलाल पायन। ये पायन क्या कर तुमने, अच्छा नहीं किया हमारे सारे जज्बात का ऐसा तैसा कर दिया। जिया क्या खन्नास समा गया तुम्हारे दिमाग में? क्या क्या ख्वाब है मेरा? ख्वाब का मतलब ये तो नहीं चाची कि अगले दिन ही पूरा करने निकल पड़ो। अरसल जमशेद अली तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, तुम एक नंबर के चीटर हो। ये देखिए बीजान कैसे तुम करके बात करती है मुझसे, आप समझाए इसको। शौहर से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? बेटा बुरी बात है ये, बहुत बुरी बात है। ये तो कुछ भी नहीं है बीजान, जो ऊपर इसने आला इखलाक का मुजाहरा किया ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। बेटा तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्या सब वाकिफ नहीं है इसकी शोला बयानियों से? बस आज फैसला कर दे बीजन। देखो बेटा फिलहाल ये लंदन की कहानी छोड़ो और घर घरस्थी पर ध्यान दो, आइंदा मैं ना सुनूं ये बात तुमसे। बीजन मैं, और अगर तुमने आइंदा अरसल को तुम कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ठीक है फिर आप भी इससे कहें कि मुझसे आप कहकर बात किया कर। क्यों किस लिए?
आसमान से उतरी हुई हो, सरखाब के पर लगे हुए हैं, पहले खुद तो बात करने की तमीज सीख लो। जिया बेटा, बीवी शौहर का एहतराम करती है। ये देखें बीजान चाची, देखें कैसे घूर रही है अब मुझे ये। हाँ तो क्या करूं, आंखों पर पट्टी बांधू, मुंह पर टेप लगा लूं कि आप जनाब की शान में कोई गुस्ताखी ना हो जाए। हाँ ये देखें, हदीना करांती की पता नहीं मुसीबत डाल दी है मेरे गले में, और तब दो अच्छे कमरे में मिलो। देखा आपने बीजान, देखा आपने। क्या करूं बीजान, ये लड़की जरा भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, पूरे खानदान में नाक कटवाएगी हमारी। फिक्र ना करो, ठीक हो जाएगी, इतनी भी बेवकूफ नहीं है ये। इतनी भी अकलमंद नहीं है, अगर होती ना तो शादी के अगले दिन यूं झगड़ा ना डालती। और मियां तुम भी जरा हल्का हाथ रखो, बीवी को प्यार से नरमी से समझाते हैं। बीजान मैं और कितनी नरमी से बात करे वो बेचारा, वो लड़की बदतमीजी ही इतना करती है कि अच्छे खासे मर्द का दिमाग खराब हो जाता है। देखो बेटा तुम जाओ, मैं इसे सेट कर लूंगी, वलीमे के बाद मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगी। जी चाची। मैं नहीं ठीक कर सकती इसे, खुदा के लिए कुछ करे बीजान। हौसला करो, हो जाएगा सब ठीक। देना जरा हिसाब खराब कर दिया। हाँ वो लगता है कोई नया कारनामा सर अंजाम दिया तुमने फिर। अल्लाह, इल्मे नजूम भी सीख लिया आपने। इल्मे नजूम, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, नई मुसीबत गले में डाल के इसी तरह छुपती फिरती हो तुम। अरे आपके सर की कसम जमशेद साहब, बहुत वड्डा कट्टा खुल गया, यूं समझे कट्टों का हेड मास्टर। या अल्लाह खैर। जमशेद भाई, जमशेद भाई, इसमें से ना नजला, जुकाम, खांसी, बुखार, हाई बीपी, लो बीपी की दवा निकाल के मुझे दे दे, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, कहीं मैं गलत दवा ना खा लूं। खुदा ना खास्ता कोई खुदकुशी का इरादा तो नहीं है ना? अरे खुदकुशी कौन काफिर करना चाहता है, भाभी ने खुद कुछ हमला किया है खुद पर और मुझ पर। लगता है किसी कट्टे के बाप को ही खोल लिया इसने। क्या क्या किया शाना, क्या किया है? जमशेद साहब, मैंने जो भी किया है ना वो ना सुमियत और नदानी में किया, और बीजान से अड्डा लगा के किया ना। आप क्या करेंगे आप दोनों हैं, बता दे मुझे, मेरा गला घोटना है, फाइल लगाना है मुझे, ये अच्छा से धक्का देना है दोनों भाइयों ने मिलके। फिर भी पता तो चले किया क्या है। वो ना वो पिनो आ रही है गुजरात से। अस्तगफिरुल्लाह, तभी तो पीले पड़ रहे हो तुम नजाकत। अरे जमशेद भाई, अभी तो पीला पड़ा हूँ, अगर बीजान को पता चल गया वो मुझे नीलो नील कर देंगी मार मार कर, और अगर कहीं नहीमा को पता चल गया तो। हाय हाय, क्या हो गया नजाकत भाई, बताया तो था कि हर घर से ना साफ मुकर जाना, कभी आपको मटक्का नहीं हुआ था मेरी सगे ताई की बेटी के साथ आपका हमारे व्याह पे। हाँ, और अगर वो पीनो की बच्ची ने खुद बता दिया तो। पहली गल तो ये कि वो अब बच्ची नहीं रही है, काफी बड़ी हो गई है, इतनी बेवकूफ नहीं है, जवान जान पुत्र की माँ है अब वो। अच्छा, जवान पुत्र। ब्रेकिंग न्यूज। हाय, एक लफ्ज ना निकाली तू मुँह से, कोई बदखबरी सुनाई ना तो तेरी ताई नहीं है, पे फड़क के मार जाना है। मरने से पहले परी आंटी से मिल ले, वो अपने प्यारे मिठू के साथ पहुंच गई है घर पे। हां जी, पहुंच गई हूँ, मैं तो सोने लगी हूँ अब जी नींद। शहना, तमीज करो, तमीज करो, उठो जाके देखो उसे जरा, अब आई गई है तो बीजान कोई निकाल तो नहीं देंगी ना। बीजान की ना ऐसे गारंटियां देने की जरूरत नहीं है, खास तौर पे आपको। मैं जाऊँ जाके मत्था देके आऊँ। अभी आपको अल्लाह का वास्ता है, बस नहीं माँ को पता ना चले। किस चीज का ना पता चले? लो अब जवाब दो इस गिटक को, है तुझे बता दे हम, ताकि तू जाके सारे मल्ले में नशर कर दे, दबा दे यहां से, जुत्ती ला ना, निकलता कि नहीं। आपने ना फिक्र नहीं करनी, मैं ना जाके बीजान से मिलके आती हूँ, सबके लिए दुआ करेंगे, जल्द चला दुआ जल्द। और बहुत कुछ हो गया करने के लिए, मुझे ठंड लग रही है कसम से, मुझे ठंड लग रही है। उम्मीद है कि तुम्हारी तबीयत अब ठीक हो गई होगी। ना मुंह मत लगे आप मेरे, ये जब तुम आप कहती हो ना बड़ी प्यारी थी। ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैं बता रही हूं
कि मैं एक इंच भी नहीं हटूंगी अपने फैसले से। अरे नहीं हटना मेरी जान, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वलीमा हो जाने दो ना, फिर सोचेंगे आराम से कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नहीं नहीं, मैं आपको याद दिला रही हूँ ताकि आपकी इस छोटी सी अकल में रहे ये बात कि मैंने जाना है। देखो जिया, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। नहीं, आप मुझसे पूछें कि मैं क्या चाहती हूँ। फिलहाल तो मम्मा ना नीचे चाह रही है कि आप दोनों आके ना परी आंटी और मिठू भाई से मिल लो। मोटे तेरी तमीज नहीं है, दरवाजा नॉक करके आते हैं। तो क्या खुले दरवाजे पे नॉक करूं? चुप करके यहाँ से शक्ल घूम करो अपनी। देखे जी आप ही, मैं आपका सगा भाई हूँ, अर्सल भाई का गुस्सा मुझ पे ना उतारे। बाहर निकल। जा रहा हूँ। इसकी जुबान। सॉरी ना। क्या है, जहर लगती है जब ऐसी बकवास हरकतें करते हो। तुम बहुत प्यारी लगती है जब क्या, तुम क्या कह रहे हो, पागल वागल तो नहीं हो गए हो? ये इतनी जोर से कौन मारता है? चलो कहाँ? मिलने के लिए जी। देख लेना शाहजहां, ये जिया और अरसर कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएंगे। आप भी अजीब है मुमताज, पहले आपको जिया और अरसल की शादी की फिक्र खाती थी, शादी हो गई तो अब आगे की जिंदगी की फिक्र खाएगी। मैं देखा नहीं किस बदतमीजी से जवाब देती है जिया अरसल को, बहुत बचकाना रवैया है इसका। तो वो इसमें भी हैरत की तो कोई बात नहीं है, जवाब देने के मामले में भी वो आप पर ही गई। तुम भूल रहे हो शायद, आखिरी जवाब तो तुमने दिया था जिसके बाद सारे सवाल खत्म हो गए थे। वो किंजा और शेरी की शादी की डेट फिक्स करें तो फिर हम भी बिस्तर बोरिया उठाएं यहां से जाएं। ये जिया और अरसल का वलीमा हो जाए तो फिर बैठेंगे बाकी सबकी शादियां तय करने के लिए। बाकी सब कौन? बिल्लो। बिल्लो की शादी भी तो हमने निपटानी है ना, बिन माँ बाप की बच्ची है और कौन है उसका इस दुनिया में। माली आया होगा, जरा उसकी बात सुन। इस दुनिया में हमारा भी कोई नहीं, हमारे बारे में सोच लेती थोड़ा सा। बीजान, बीजान गाल सुनो मेरी। हाँ बोलो। बीजान मैंने ना जरूरी बात करनी है। हाँ, तुम्हारी जरूरी बात मैं बाद में सुनती हूँ शाहना, मगर जवाब से कहो कि अपनी वारदा को फौरन यहाँ पर ले आए, ये शादी का मसला हल होना वलीमे से पहले। हाँ हाँ बीजान, मैं कह दूंगी जोजी को। हाँ बुला लेगा वो ना, वो बात ये थी कि ना वो मेरे कुछ मेहमान आए हैं, अगर आप आके मिल लें तो। हाँ शाहजहां, क्यों नहीं मिलेंगे, तुम्हारे मेहमान आए जरूर मिलेंगे, शाहजहां को भी बुला लो, देखें तो कौन से मेहमान है तुम्हारे। जी बीजान। ले भाई पीनो, आखिरकार तू विदाउट विंग्स कराची पहुंच गई है। जी मरन जो गया, तूने भी तो आंट पहले सुलाना की है, और कराची का कौन सा रास्ता है जो मैंने नहीं देखा हुआ है, पहुंच ही गई ना। बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह, आज भी तेरी जबान दी तार गुजरात दी सारी छुड़िया नु पीछे छाड़ देंदी है। ओए ओए ए साडा ए मिठू है। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, सो यंग एंड सो शॉर्ट, वेरी नाइस। सलाम कर मामे नु। सलाम अलैकुम मामू जी। वालेकुम सलाम बेटा जी। ये ना तेरी नीमा खाला है, इन्हें भी सलाम कर। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। और ये तुम्हारा मामा है, मामा नजाकत, जरा इसको भी सलाम ठोक दे। ओ, कोई मामा शामा नहीं है ये, ओ पुत्र अंकल है, अंकल चप्पी पा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सब कहते हैं मैं ठीक हूँ, लेकिन अब नहीं लग रहा कि मैं बचूंगा। शक्ल से तो मिर्गी का मरीज लग रहा है। ते नीमा इसका ख्याल श्याल नहीं रखती। चलें जरा अंदर। हाँ हाँ हाँ, जरा नहीं पूरा ही तरह पूरा पूरा। नहीं 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 माँ। क्या हाल है तेरा? रहने दे अरसल,
और बंद कर ये ड्रामेबाजियां हैं। मिठू नाराज है तेरे से, झूठे मूवी शादी का कार्ड नहीं ना भेजा। मिठू चल नाराज हो जाए इससे। चाबी वाला मिठू, हला सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ, मैं समझा अम्मा ने कार्ड भेज दिया होगा आपको, नहीं भेजा। रहन दे, तेरी माँ भी बड़ी मीसनी है। ये तेरी बीवी है, कितनी सोनी है। मैंने पहले देखा होता ना तो इसे अपनी नू बना लेना था। चल कोई नहीं, अब मिठू पुत्र सलाम कर परजाई को। सलाम अलैकुम परजाई जी, मुबारक हो जी आपको। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। चलें अब खाला कहे ना इसे छोड़े, ये क्या नाराजगी है, गले मिले यार के। आजा मिठू। चल मिठू चप्पी पा भाई को। ठीक है आना, बैठ बैठ। माँ प्यो किधर हैं? उन्हें मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया मेरे आने का सुनकर? नहीं खाला वो बस आते ही होंगे। ताई जी आ रही हैं बीजान के साथ। ओ बीजान अभी तक जिंदा है? मैंने तो सोचा था कि कहीं आ गए निकल गई हैं, तभी तो छन्नू ने कार्ड भेजा शादी का। अब सलाम अलैकुम बीजान। बीजान है, सलाम का जवाब तो दे देते हैं, बड़ा इनको गुनाह लगेगा। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, तुसे भी हाले तक जीउंदे हो हैं। सलाम कर मिठू आगा जी नु। अस्सलाम वालेकुम आगा जी। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम। इत्तला तो दे देती आने की, बगैर इत्तला के ही आ गई। इत्तला दे के आती तो मेरी लाश ना गिरी होती यहाँ पे। ओ कहीं आपने कोई निकाह शिका तो नहीं खड़का लिया उनके साथ हैं, बड़ा जुड़ के खड़े हुए थे। बगैर सोचे समझे बोलने की आदत नहीं गई तुम्हारी। और जी कंट्रोल खराब है इसका। मैं जाके मुमताज को देखता हूँ। हाँ हाँ देखें देखें, जाके देखें। छन्नू तू क्यों बेस्वादा सा मुंह बना के उधर खड़ी है? आ लग जा गले मेरे, हैं सीने ठंड पा दे। वैसे नू ते रज के सोनी लभी है तू, है लगता है माँ ते नहीं गई, मेरी प्यो पर है। पीनो जरा जबान पे ना ब्रेक लगा, और इधर आ, अकेले में तुझसे बात करनी है, अकेले में मिलते हैं। आजा मेरी बहन आजा। जाओ भाई जाओ 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 जाओ। कैसे हैं सल्लू भाई, और सुनाओ तुसी। आगा जी मेरी गल सुनो, मैंने ना पीनो को चंगी तरह समझा दिया है। तो ये बात उसको यहाँ बुलाने से पहले नहीं सोची तुमने? आगा जी टोटल मेरे पिक्के से ना तीन लोग आ रहे, एक हो गए आप, एक जोजी मनुस और तीजी पीनो। तो मैं तुम्हारा खालू हूँ और तुम्हारे शोहर का सगा ताया भी हूँ। अच्छा सगे सुतेले को छड़ो ना आगा जी, आप ना बस किसी तरह बीजान को ना राम कर ले, वरना मेरी बड़ी बिस्ती हो। वो बहुत नाराज हैं पीनो से माफ नहीं करने वाली वो। भाई अल्लाह आशे, वैसे बीजान पे अपने पुत्र को तो माफ करके कलेजे के साथ लगा के बैठ गई, और पराई औलाद के लिए बहुत पाला हुआ है दिल में, शर्म नहीं आती बीजान को? देखो उनके दिल से ये बातें इतनी आसानी से निकलने वाली नहीं है शाना। अल्लाह जी दिल से बातें ना निकाले, बस पीनो को घर से ना निकाले, आप गारंटी दे। मैं कहां से गारंटी दूं? वो तुम उनको भेजो ना, मासूमा और जमशेद को बात करने के लिए भेजो मुमताज के पास। हाय अल्लाह, मासूमा और जमशेद किस खेत की भूली है, उन्हें तो किसी खाते में नहीं लाती है बीजान। आप वो बंदे हैं जिसे खाते में लाती है, आप जाएं। ना 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 ना, मैं शेरनी के गार में हाथ नहीं डालने वाला भाई ना। ठीक है आप ना डाले शेरनी के गार में हाथ, मैं जाके अपना मथा किसी दीवार में मार लेती हूँ। आगा जी आपका ना खून सफेद हो गया। अब अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात तो सुनो शाना। नहीं रहन दो, रहन दो, मुझे पता था, मुझे पहले ही आप पे शुबा था, मेरा आपसे यही एक्सपेक्ट था। शाना परी आंटी आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गए। हाँ अब आएगा हमारे वलीमे पे मजा, और हमारी शादी में भी जरूर आना आपको। वैसे खानदान की जितनी सुथरी लड़कियां थी ना तुम दोनों मीसे निकाल के ले गए, एक तो छोड़नी थी ना मेरे पुत्र के लिए भी। बेबे मिठू की कर रहे हैं, छिबिया मार मार के कोनी में सुराख करेगा। कहते बड़ी भूख लगी है। सबर कर पुत्र, बनाती हूँ तेरी देसी घी वाली चूरी, पहले तेरी मासी के ये रूठने मनाने के सेशन तो निबट जाए। मिठू तुम अभी तक चूरी खाते हो क्या? क्या वाकई खाता है मिठू? ये तो चूरी खाता है। कमाल है, चेपुट का मिठू चूरी खाते। जलाल भाई जरा तमीज नाल,
वो परिजान पहन के कर्म को ज्यादा फिर न करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बड़ा दर्द होता है। और ये जो आपके पख्तूनों वाले लहजे में हमें अंग्रेजी सुननी पड़ती है ना, इससे हमें बड़ा तकलीफ होती है जी। चलो कुड़ियों, कोई रोटी टुकर का बंदोबस्त करो, वैसे भी मेरे मिठू की अब दवाई का टाइम हो गया है। हाँ जी, जी मैं अम्मी से बोलती हूँ। और सुन एक और गल दसी है, नाम अगर मासूमा हो तो इसका ये तो मतलब नहीं ना कि बंदा मासूम ही हो जाए। भाई मेहमानों को आकर सलाम दुआ कर लेते हैं। जी जी। और एक और गल, देसी घ्यो ते शक्कर निकाल ली, मिठू ना मेरे हाथ दी चूरी खांदा है। जी मैं कहती हूँ, मैं भी हेल्प कर देती हूँ उसकी। देखो मियाँ, अपनी बीवी को साफ साफ बता दो कि शाम होने से पहले उस मनहूस पीनों की शक्ल इस घर से गुम करवाए। अब ये कैसे हो सकता है बीजान? क्यों, मैंने ऐसा कौन सा मुश्किल काम कह दिया, कौन सा पहाड़ तोड़ने को कहा है मैंने? बीजान वो तो हमारे मेहमान है ना। हाँ, और इसी मेहमान की वजह से मेरा बेटा नजाकत मेरे सामने खड़ा हो गया था, तन के जूते मार मार के फिर मैंने उसका इश्क का भूत उतारा था। लेकिन बीजान, नजाकत ने फिर भी आप ही की पसंद से शादी की, तो फिर इसमें परवीन से क्या गिला? हाँ, वो तो उसकी फरमा बरदारी है कि उसने मेरी बात मान ली, लेकिन इस पीनो ने और शन्नो ने कोई कसर नहीं उठा रखी थी। जादू टूने तक तो करवा दिए थे और तभी से मेरा बच्चा बीमार रहता है। अच्छा छोड़े ना, जाने दे गुस्सा। हाँ, हरगिज नहीं, उस मक्कार जादूगर ने पीनो को तो कभी भी माफ नहीं करूंगी। बीजान, छाना ने अपने बेटे के वलीमे पे ही तो बुलाया। देख लो मियाँ अपनी बीवी के करतूत, दबी हुई राख में से चिंगारी नहीं पूरा तूफान निकाला है उसने। उसने तो बेवकूफी कर दी बीजान, आप अपना दिल बड़ा कर लें, वो अरसल के वलीमे के बाद चली जाएगी परवीन। हाँ, हरगिज नहीं, और अब मैंने भी फैसला कर लिया है। क्या? यही कि अगर एक घंटे के अंदर अंदर वो पीनो यहां से ना गई तो फिर मैं यहां से चली जाऊंगी। ये ले पीनो है देसी खंड, तो ये रहा देसी क्यों है, अपना सब कुछ चोरी करवा के आ गई है रास्ते में। मैनू की पता सी पूरा कराची ठगा नाल भरिया होया है। हाय खैर, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ये ना तुम मां बेटे का अपना कसूर है। छड़, सुन वो मिठू वास्ते ना फिक्की चाय निकाल दे। वैसे पीनो तुझे ये नहीं लगता तूने कुछ अजीब सी शय पैदा कर ली है? हाय हाय, तेरी पुत्र की तरह नहीं है जो दुम चुल्ला बनके ना अपनी बीवी के पीछे आगे पीछे घूमता है। अल्लाह, अगर सल्लू ने चक्कर लगा भी लिए जिया के आगे पीछे तो क्या हो गया, ऐसी पटोली सी है हमारी जिया मां सद के जाए। रहन दे, ऐ ते दस वो बीजान दा गुस्सा थोड़ा थल्ले भी आया कि नहीं, वो कब निकलेगी वड्डी अम्मा अपने हुजरे से? सब बोल, वो गई है मासूमा बात करने के लिए, तू दुआ कर। है दुआ करेगी जुती। पर आंटी, मिठू भैया ने कहा है कि ये ना दवाइयां ना पीस के दे दे, फिर वो खाएंगे। हाँ। क्यों ना खैर हो, पीस के क्यों देनी है टैबलेट है? उसके गले की मोरी छोटी है, गले में कंडे लगे हुए हैं। कोई नहीं कोई नहीं, तू जा पुत्र, मैं हूं ही पीस के लाई। हाँ मासद के। सुन छन्नू, कोई गुलाब जामुन कोई बर्फी है? वो मिठू जो है ना दवाई नाल मीठा खाता है। क्या हो गया पीने? चाय फिक्की पीता है, दवाई मीठे के साथ खाता है, बड़ा बुखार तो नहीं चढ़ गया था दिमाग पे उसके? तो अल्लाह ना करे। अब शाना जरा मेरी बात सुनो। ओ वड्डी अम्मा ने कोई डांग सोटा तो नहीं चला दिया सब पे? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, चल शाना। हाँ ये ले मिठू की ना फिक्की चाय। ऐ चंगा कितना है ना, हम खाएगा चूरी मिठू। बेबे, हाय हाय, बड़ी सिर पीड़ हो रही है बेबे। अब मैं हुणे ही देनी आ पीस के तेरी दवाई। यार बेबे, तीन चार जूते लड्डू भी हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, नजर लगा दी ना मेरे सोने पुत्र को इन कमबख्तों ने, तो ये जलाल इतने डेले फाड़ फाड़ के देखता है तुझे। अब मिठाई होगी फ्रिज। शुक्र है तुम भी ये पहनना शुरू हुई हो, अच्छे लगते तुम्हारे हाथों की गजरे। असल आपसे एक गजरा नहीं बनाया जा रहा इतनी देर में? प्यार से बना रहा हूँ, थोड़ा तो सब्र करो, आगे हमें टाइम नहीं मिलता।
नीचे बीजान ने हंगामा खड़ा कर दिया है आपकी परी खाला के आने में। वैसे कैसी लगी हमारी खाला तुम्हें? बहुत मजे की है ना, बचपन में हमने बड़ी गुड़िया लूटी इनके पास जाके, जब हम गुजरात जाते थे ना इकट्ठे लूटते थे। लेकिन यहाँ मुझे मिठू कुछ अजीब लगा है, मतलब आजकल के जमाने में कहाँ होते हैं ऐसे मम्मीज बॉय। इसलिए बिगिन है बेचारा, अगर परी खाला उसे गए ना पूरी रात एक टांगे पे खड़ा होना है, बेचारा खड़ा हो जाएगा इतना बेचारा। फिर तो वो पागल है, और क्या एक ही गजरा दूसरा गजरा कौन पहनाएगा? हाय अल्लाह मैं मार दी, हाय क्या वो मदली जेबा बन के खड़े हुए तुम दोनों, हो गया पुत्र इंसान जो है शर्म में आपको हाथ मार लेता कि नहीं? माम तो मार लेंगे, तू भी कभी दरवाजे नु हाथ मार लिया कर, बंदा नॉक करके आंदा है तू सीधा ही अंदर। हाय सल्लू पुत्र नॉक को छोड़ है, नको नक कर दिया पूरे टब्बर को नीचे बीजान ने। क्या हुआ है? आए वो मेरी मासूम कजन पिनो आ गई है ना, बीजान को ऐसा सड़ा चढ़ा है घर छोड़ के जा रही है ना, मासूम माँ जलाल मैंने सबने मिन्नत अल्लाह पा लिया, पर बीजान है मुर्गे की वही एक टांग पकड़ के खड़ी हो। तू ही लाई होनी तीली अम्मा, 100% मैंने यकीन है ना। क्यों? मेरी माचसों की फैक्ट्री है, पर तू मेरे सामने ज्यादा शोखा ना हुआ कर। शोक होने वाली क्या बात है? पुत्र ये ना समझ के तेरा ब्याह हो गया है तो तू माँ को आगे लगा लेगा। ताई जी मसला क्या हुआ है? सुबह से दोपहर हो गई, बीजान एक भी दफा नहीं मिली। बस पुत्र ना ये पुराने बखेड़े ना को ना ही फिरोलो ना तो बेहतर होगा, पता बड़े सारे लोगों के कार बर्बाद हो जाने। चलो दोनों नीचे आओ, आखिर बीजान को ठंडा करो। अम्मा हमको बर्फ के ब्लॉक है जो ठंडा करे, हर एक को हम नहीं ठंडा करना है। सुनो तूने ना मुझे ब्याह के बहुत दिन चुपेड़े खाने, नीचे क्यों माँ के चाटे में खीर पड़वानी है? कुछ नहीं होता है काली मेहंदी, हमारी भी अपनी भी कुछ जिंदगी है, हमने भी कुछ सोचना है कि हम दूसरों की जिंदगी में घुसे रहे। अच्छा ठीक है, ज्यादा अफलातून बनने की जरूरत नहीं है जिया, इसको बोल के आके अपनी खाला के हक में बी जान के सामने जज्बाती किस्म की तकरीर करे है जिया, इसको लेकर आ, चला आजा शाबाश आजा आजा। चलो जी हर एक हम नहीं सुलझाने यार, जरा तो पहन लो। अरे नहीं चलो चलो लगता है सासू माँ का कुछ जाती रकाबत है परी जी के साथ। खुदा को माने जलाल भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मिल क्यों नहीं रहा उससे? वो बेचारा सुबह से इधर बैठा है, वो इसको मुंह नहीं लगा। मिल लेंगी वो, थोड़ा सा सबर करें। ज्यादती ज्यादती और हम इसके खिलाफ जंग करेगा, टोपक जमा कानून देखा। समझे तुम तो हौसला करो यार, उठो। वो मर्द को दर्द नहीं होता है, तकलीफ होती है कभी कभी। बस कर दो बेगम, इस उम्र में इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। अपने ईमान से कहो शाहजहां, क्या ये बहुत ऊंची हरकत नहीं की जन्नू ने? खुदा वास्ते का बैर है उसे मुझसे। मुमताज बेगम उसने जो किया सो किया, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये भी बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हाँ तुम तो यही कहोगे, तुम्हारी रिश्तेदार जो ठहरी तरफदारी तो बनती है ना। मेरी वजह से क्यों बदगुमान हो रही हो? तुम्हारे लिए मैंने इतना डांटा है बिशाहाना को, तो उसकी सेहत पर कौन सा असर पड़ गया? वो तो बेटा ब्याह कर ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है कि जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो वो। सारी बातें छोड़ो, ये लो पानी पियो, जहरी डाल दो इसमें। रोज रोज के मरने से बेहतर है एक ही दफा मर जाओ। ये लो तुम फिर भी नहीं मरोगे, पानी पियो। दो घूंट पानी पीने से मेरा इरादा नहीं बदलेगा। अरे मिजाज तो बदल जाएगा, बैठो आराम से बैठो, यहाँ बैठो। ठीक है।